وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله تعالى دي حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو پڑھو بھی پیار نال محبت دے نال سارے نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص توفیق اور رحمت اور فضل دے نال اپنے ماں باپ اور اساتذہ دیاں دعاواں نال اور تواڈے جیسے مخلص یاراں بیلیاں بھراواں دی دعا نال مسجد اقصی بیت المقدس ان دی عظمت اور شان دے حوالے نال کچھ بیان کراں گا. دعا فرماؤ اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. مسجد اقصی ان دے کئی نام نے اینو بیت اللحم بھی آکھیا جاندہ ہے اور پانچ تھان تے نا قرآن پاک پانچ مقامات تے اللہ نے مسجد اقصی دا تذکرہ فرمایا ہے. اینو اقصی اس واسطے اقصی کیا جاندہ ہے
इंदा नां अक्सा इस वास्ते रखिया गया कि ये मक्का मुकरमा तो ना 1300 किलोमीटर दूर है। मस्जिद अक्सा बैतुल्ला शरीफ तो ना 1300 किलोमीटर की दूरी दे फलस्तीन अंदर शाम मिस्र उर्दन ये सारा इलाका एक ही शुमार किया जाता है। 1300 किलोमीटर मक्का मुकरमा तो दूर ही ये दूरी की वजह करके ना दूरी की वजह करके इनू अरब वाले कह लग पे अक्सा मस्जिद, यानी लफ्ज़े अक्सा का मैंने दूर दूरी वाली दूर ओ चूंकि 1300 किलोमीटर दूर सी ना इसे दूरी की बिना तेनू अक्सा अक्सा कह लग पे। और इनका दूसरा नाम वो है बैतुल मुकद्दस। इनका ये मैन है मुकद्दस का ये मैन है बैतुल मुकद्दस यानी गुनावां कोलो पाक करन वाली मस्जिद। गुनावां कोलो ना पाक करन वाली पाकीजा करन वाली गुनाह धोन वाली गुनाह मिटान वाली मस्जिद मुकद्दस दा मैंने गुनाह खत्म करन वाली। इस वास्ते इंदा नाम बैतुल मुकद्दस भी है। अल्लाह पाक सानू सारे दुआ फरमाओ अल्लाह उस मस्जिद दियां अल्लाह ज़ियारता भी नसीब फरमा दे। कुरान आंदा है सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिहि लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे सोने पैगंबर लाडले पैगंबर शहजादे पैगंबर मुहम्मद दरोदे पाव पढ़ लो सारे पढ़ लो प्यार नाल मुहब्बत दे नाल पढ़ लो सारिया पढ़ना दरोदे पाक मेरे वल्ले वेखो दरोदे पाक पढ़ो ठंड पै जाएगी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी मनशा साहब तुसी भी बोलो माशाल्लाह कल ही तुसी मक्क्यों बैतुल्ला जो आए हो तुसी भी कह दियो सुभान अल्लाह सारिया पढ़ने कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक फरमांदे ने सुभान अल्लाज़ी असरा लैलम मिनल मस्जिदिल हराम सोनिया मैं अल्लाह ने एक रात अंदर रात कुछ हिस्से दे अंदर मैं तेनों मस्जिद हराम तो लैके हिलाल मस्जिदिल अक्सा अक्सा मस्जिद तक सारा कुछ दिखाया निशानियां दिखाइया। सुन लो ध्यान दे नाल मस्जिद अक्सा ए बैतुल्लाह में इत्थे अल्लाह पाक दे बड़े बड़े बरकजीदा पैगंबर सुन लो ध्यान दे नाल हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम हजरत इसहाक अलैहि सलाम हजरत याकूब अलैहि सलाम ते हजरत मूसा अलैहि सलाम इन्हां नबियां ने जिंदगियां भी ज्यादा इत्थे ही गुजारियां ने इत्थे रहने इन्हां दियां रहायशां भी इत्थे सन। इन्नी पाक धरती है इन्नी पाक मुकद्दस जमीन है अल्लाह दे नबी दियां रहायशां इब्राहिम अलैहि सलाम दियां रहायशां ज
जनाबे याकूब अलैह सलाम दा घर, जनाबे इसहाक अलैह सलाम दा घर, हजरत मूसा अलैह सलाम दा घर, फलस्तीन दे इलाके दे अंदर, शाम दे इलाके दे अंदर, ए मुल्क मिस्र अंदर इन्हां नबियां दे घर भी इत्थे सन, बल्कि इन्हां अल्लाह पाक दे नबियां ने इत्थे मौत दी ख्वाहिश भी कीती है, अल्लाह सानू मौत भी इत्थे ही आ जाए ना, अल्लाह सानू मौत भी इस फलस्तीन दे इलाके दे अंदर, शाम दे इलाके दे अंदर, अल्लाह बैतुल मुकद्दस वाली ऐ पाक धरती ते मौत आए ना, जिवें हजरत मूसा अलैह सलाम दे बारे आंदे, हजरत मूसा अलैह सलाम इज़राइल आए ना, उन्हें आख्या मैं नहीं जाना, जाओ चले जाओ, जो होया सो होया ना, इज़राइल आंदे ने अल्लाह हाले तेरे मूसा पैगंबर दा हाले आंदे जी नहीं पिया करदा ना, अल्लाह पाक फरमांदे ने जा मेरे मूसा पैगंबर को पुछ के आओ ना, जे मैं तुहाडी उम्र लंबी कर दया, एक पैर दी कंड ते हाथ फेरो, ने वाल थले आन गए, जे मैं ओने साल जिंदगी होर दे दया, ते फिर जनाबे इज़राइल सलाम आए ना, आ के आंदे ने हजरत अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं तुहानू इन्नी जिंदगी दे दया, अन करके पैर दी कंड ते हाथ रखो, जिन्हें वाल थले आन गए ओने साल उम्र बढ़ा देना, इज़राइल सलाम नू मूसा पैगंबर कहन लगे, हजरत जी मेरे हाथ थले किन्ने को वाल आ जाएंगे, हजार आ जाएगा, सौ आ जाएगा, दस हजार आ जाएगा, उस तो बाद की सलूक करेगा, इज़राइल आंदे आंदे हजरत कुल मना लई हाफान वाया बका वाजो रब्बी का जुल जलाली वाली कराम, हजरत जी कुल नफसिन मैं ते तुहाडी मुलाकात करनी करनी, हजरत मूसा अलैह सलाम कहन लगे इज़राइल फिर मैं हुणे जाने तैयार हाँ, पछ पर मेरिया कुछ शर्तां ने, जनाबे मूसा अलैह सलाम कहन लगे कुछ मेरिया शर्तां मननियां पैन गईयां, हजरत जी तुसी अल्लाह दे नबी हो, तुसी दसो केड़ियां शर्तां, आख्या पहली मेरी शर्त ए आ जिथे मैं फौत होवां ओ थां बैतुल मुकद्दस दे नाल होए, जिथे मेरी कबर बने जगह भी बैतुल मुकद्दस दे नाल होए ना, हजरत जी इथों साबत हुंदा है नबियां भी इत्थे मौत ख्वाहिश कीती ना, के साड़ियां कबरां भी इत्थे बन जान, ए फलस्तीन दा इलाका, शाम दा इलाका, मिस्र दा इलाका, ओ सुन लो ध्यान दे नाल, हजरत योशा बिन नून, हजरत दाऊद अलैह सलाम, हजरत सुलेमान अलैह सलाम, हजरत ज़करिया अलैह सलाम, हजरत यहया अलैह सलाम, ए जिन्ने अल्लाह दे नबी ने ए सारियां दी पैदाइश हजरत योशा बिन नून भी फलस्तीन च पैदा होए ना, जिथे बैतुल मुकद्दस हजरत ज़करिया पैगंबर भी, हजरत दाऊद अलैह सलाम भी, हजरत शाह सुलेमान पैगंबर, अल्लाह दे नबी उस पाक धरती ते पैदा होए ना जिन्नू फलस्तीन आख्या जांदा है, जिथे बैतुल मुकद्दस ओ शाम कोटियां ए कोई धरती आम नहीं, ए ओ धरती है जिथे अल्लाह दे बड़े बड़े नबियां दे पैर लगा ने, जिथे अल्लाह दे बड़े बड़े बरगजीदा पैगंबर जिन्ना ने इथे आके आके आराम कीता है ना, इंदा नाम फलस्तीन है, इनू मुल्क शाम आख्या जांदा है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद दरो दे पास सारे पढ़ लो प्यार दे नाल, बार वाले भी पढ़ लो उच्ची पढ़ लो, चंगे रह जाओगे दरो दे पास पढ़ लो, मेरे सोने दाना सुन के गूंज पा दियो जनाबे मोहम्मद।
फरमांद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने पैगंबर आखिए ये फलस्तीन दा इलाका ओए मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस यो पाक और मुकद्दस थां है ना जिथो अल्लाह दे नबी ईसा अलैहि सलाम नु जिंदा समान ते उठाया गया कि निशान है जगह दी जिथो अल्लाह दे नबी नु जिंदा समान ते उठाया गया ओ जगह बैतुल मुकद्दस वाली मस्ते अक्सा जिथो मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम नु फलस्तीन दे शाम दे इलाके ईसा अलैहि सलाम नु जिंदा अल्लाह ने आसमान ते उठा लिया कहो सुभान अल्लाह। और इत्थे ही बस नहीं कल्ला ईसा अलैहि सलाम नु नहीं उठाया अल्लाह अंद करके ना पहले जहाज आई जमीन ते टुरदा है कोई दो चार पांच छे किलोमीटर वो पहला जमीन ते टायरां ते टुरद फिर जाके ना फिर जाके कोई पांच छे किलोमीटर तो बाद जाके ना वो परवाज करदा यानी उतां उड़दा है अल्लाह सरकार सोने पैगंबर जड़ी एयरलाइन ते गैसन ना सुबहान अल्लाह एयरलाइन ये पहले जमीन ते आई छाला मार दी मस्त अक्सा ते पहुंची और उस तो बाद सोने पैगंबर लाडले पैगंबर ए ओ मस्त अक्सा शान वाली अजमत वाली है जिथे नबी पाक ने सवा लख नबी नो जमात करवाई है सवा लख नबी नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं मस्त अक्सा जे गया ना जिब्रील ने बुराक बार बन दीती नाल कहन लगे हजरत जिथे मैं तुहाडी बुराक सवारी बननी है ना इत्थे अल्लाह दे अक्सर नबी लग दे सवारियां बनदे ने मैं अंदर वड़िया मसीते मस्त अक्सा च सरकार आख्या मैं अंदर वड़िया ते सारी मस्जिद भरी पई आदम अलैहि सलाम तो लैके ईसा अलैहि सलाम तक सारे नबी सामने ने कह दियो सुभान अल्लाह सारे नबी सामने सुभान अल्लाह। कोई भी ऐसी जगह नहीं जमीन ते जिथे एया मामला बनया होवे भी सारे नबी होण ते नबी पाक ने जमात कराई हो क्यों भी शाम कोटी जो गल एवें है कि नहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं जिथे एया मामला एया सीन बनया होवे भी सारे नबी अल्लाह दे जमा होए होन ते उत्थे नबी पाक ने नबियां दी जमात कराई होवे जे ए मंजर जे ए सीन ए नक्शा बनया है ते मस्जिद अक्सा च बनया है बैतुल मुकद्दस च बनया है। सरकार आख्या मैं अंदर गया नबी इंतजार पै करदे ने नबी मेरा इंतजार पै करदे ने जे साडे बाबा जी शमशान कोलों रिहा ना गया बाबा जी आंदे ने सोते अल्लाह की आंदे पैने अल्लाह आंदे ने सोते रहन सिद्दीक फारूक होरी तू फल कांते आ जा चुप करके बुराक ते चढ़ के लैला सरा मेरे नबी लड़ ले बोराक ते चढ़ के लैला सरा अकसानो सजा जा चुप करके मेरे नबी अकसा दे विजने निशान कई जो बनाए मैं तेरे वेखन लई सोनिया अकसा दे विजने निशान कई जो बनाए मैं तेरे वेखन लई मो जग जग वेंदे ने सारे नबी दो रकता पढ़ा जा चुप करके
सरकार आख्या मैं बैतुल मुकद्दस दे अंदर अल्लाह दे नबियां नू जमात कराई ना ए मस्ते अक्सा ए निशान वाली जिथे मेरे पाक मुहम्मद ने नबियां नू जमात कराई है और ईसा अलैहि सलाम भी इसे धरती तो आसमान वाले उठाए गए ने सरकार दी बुराक ने भी मस्ते अक्सा तो बर्बाद की दिए सरकार दी बुराक नबी पाक दी एलान जिंदा ना बुरा के ए मेरे पाक मुहम्मद दीर लैन इन्हें भी मस्ते अक्सा तो अन करके बर्बाद की थी आसमान वाले बुराक चढ़ी इंदा नाम बैतुल मुकद्दस और शाम कोटियां सुन लेते आन दे नाल अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद दरोदे पाक दी आवाज आ जाए सारे पढ़ लो प्यार नाल मुहब्बत दे नाल पढ़ लो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा जे लिखिया है ना हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे सोनिया अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला घर केड़ा बना दिता गया और शाम कोटिया गल्लां बड़िया कीमती सुन ली थी अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला घर केड़ा बनाया गया ते मेरे पाक मुहम्मद फरमान लगे इन्ना अव्वला बैतिन वो जिया लिन्नास लल्ला जी भी पक्का ता मुबारकन लल्ला जी भी पक्का ता मुबारकन अल्लाह पाक फरमांदे ने सोने मैं सब तो पहला घर अल्लाह बैतुल्ला बना दिते अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला अल्लाह पाक दा घर हजरत आदम अलैहि सलाम ने बैतुल्ला बना दिते उस तो बाद दूसरा अल्लाह दा घर अल्लाह दी जमीन ते ए बैतुल मुकद्दस बनाया गया है ए दूसरा अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दा घर मस्ते अक्सा बनाई गई हजरत सोने दा यार हजरत अबू जर कहन लगे आंदने सोने ये पहले घर दे ते दूसरे घर दे दरमियान च वक्फा किन्ने यानी किन्नी देर बाद बैतुल मुकद्दस बनाया गया मस्ते अक्सा बैतुल्ला तो किन्नी देर बाद ते बनाई गई मेरे पाक मुहम्मद ने होंठ खोले ना अपने सोने लब खोले सरकार आखिया मेरे घर मेरे शहर मक्का पाक बैत अल्लाह दे बनान तो बाद 40 साल बाद ए 40 सालां बाद आदम अलैहि सलाम अन करके फलस्तीन चो लंघे ना आदम अलैहि सलाम ने ए मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस दियां आदम अलैहि सलाम ने बुनियादां रखियां 40 साल बाद बैतुल्लाह दे बनान तो बाद 40 सालां तो बाद ए मस्जिद अक्सा बना दित्ती गई सुन लो ध्यान लेकिन सुन लो मस्ते अक्सा हजरत आदम अलैहि सलाम ने जिथे नीयां भरिया से ना उस तो बाद हजरत याकूब अलैहि सलाम नियां तो ते ए बैतुल मुकद्दस चुकया अल्लाह दे नबी हजरत याकूब अलैहि सलाम ने ए बैतुल मुकद्दस बना दिते और सुन लो ध्यान दे नाल उस तो बाद हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने इना बैतुल मुकद्दस नु बनाया उस तो बाद यानी हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने शुरू कीता नाम लेकिन जाके हजरत शाह सुलेमान पैगंबर ने इना जाके बैतुल मुकद्दस मुकम्मल कीता ना और तुसा मसला ते सुनिया है ना हजरत शाह सुलेमान पैगंबर ए मस्जिद अक्सा बनवा रहे सन बैतुल मुकद्दस बना रहे सन इजराइल आख्या हजरत जी तुहाडा ते टाइम होण वाला है हजरत जी तैयारी कर लो हजरत शाह सुलेमान पैगंबर कहन लगे इजराइल और सामने वेना पे
अल्लाह दा घर बनवा रहा, मैं मस्जिद अक्सा बनवा रहा, बैतुल मुकद्दस बना रहा। इजराइला मैनू अल्लाह दा घर ते मुकम्मल कर लैन दे, इजराइला मैनू बैतुल मुकद्दस मुकम्मल बना लैन दे। इजराइला मेरे अब्बू दाऊद अलैहि सलाम ने इनू शुरू कीता है ना, मैं चाहना मैं मुकम्मल होंदा वेखला। इजराइल आंदा हजरत ये तो मैं कम कीता ही कदी नहीं। हजरत जी ना जल अल्लाह इजा जाला आखर। हजरत जी मैं ते किसे नू पैर भी नहीं हलान देंदा। हजरत जी ना ना ये बैतुल मुकद्दस जाने, ये जिंदा घर ओ जाने, या मस्जिद अक्सा जाने, अल्लाह दा घर जाने, या अल्लाह जाने। अल्लाह दी जमीन ते मस्जिदां ते बंदियां ही रहनगियां हजरत, अल्लाह दे घर ते बंदे ही रहनगे। पर अल्लाह दा हुक्म है इजराइला मेरे कानून नू ना बदले, इजराइला मेरे कानून दे अंदर तब्दीलियां ना आण दे। हजरत शाह सुलेमान पैगंबर कहन लगे इजराइल इन्ना को ते टाइम दे देना, अपने घर जाके अपने हाथ नाल ही कुछ लिखावा, मेरी वफात तो बाद इत्थे की बनाना है। उन्हें आख्या हजरत इन्ना भी उन्हें टाइम नहीं दिता कि मेरे शाह सुलेमान खरे जा लैन दी। हजरत इवें ते ना करना, इजराइला मैं खड़ा वा, चलो बह के झट को आराम कर ला। उन्हें आख्या हजरत मैनू आन लग्या अल्लाह दा हुक्म सी कि मेरे शाह सुलेमान पैगंबर दी, मेरे नबी सुलेमान पैगंबर दी खड़िया खड़िया सोटी दे सहारे ते खड़िया जान निकालनी। हजरत जी अल्लाह दा हुक्म है, मैं तुहानू जमीन ते भी नहीं बैन देना। हजरत जी इत्थे की तसव्वुर करोगे, आ एक बेईमान उदन बक रहा सी, एडे कसमे बेलगाम की मौलवी हो गए ने, पुछन वाला ही को नहीं, कोई बद नसीब लगा सी, थोड़े किंदा ना लै रहा सी बद नसीब। वो कबर च गया, फरिश्ते आख्या भी मैं रब्बो का, उन्हें आख्या ठहर है मैनू पुछन दे। फरिश्तिया तड़िया ला रहा सी पीर साहब जिहड़े अगे बैठे ने जाहिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यार इन्नी शैतान ने मत मार दिती, इन्नी अकल ते परदे पै गए। हजरत साहब उनके अगे तो बड़े बड़े अल्लाह दे नबी नहीं अख पट सके, इन्हां पीरां दी की वाह। इन्नी शैतान ने आन लग्या आख्या सी अल्लाह नूं भी या अल्लाह हुण तू मैनू जन्नत चो बाहर कढ दित्ता है। अल्लाह हाफज मुहम्मद यहिया साहब अजीज मीर मुहम्मदी कहो रहमतुल्लाह अलैह, एक बारी सारे बार तक आवाज आए रहमतुल्लाह अलैह, अपने उलमा वास्ते दुआ फरमाया करो, एक बारी फिर को रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज साहब ने जुमा पढ़ाया खुड़िए साढ़े मदरसे कितने मैं पढ़ता सी जामिया दारुसलाम सलफिया च। हाफिज साहब फरमान लगे मैनू हाले बाबेरां दे अल्फाज याद ने, जुमा पढ़ाया सी हाफिज साहब ने, मैं अजान आखी सी और मौलाना मोइनुद्दीन खुरे मोइनुद्दीन लखवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे इलेक्शन लड़ते सी, उन्होंने जुमा पढ़ाया। मैं उदों भी अजान कहिंदा सी, जिस टाइम मैं अजान आखी बाबा जी लखवी साहब मेरे वाले वेंदे रहे वेंदे रहे। मैं हले बच्चा सा कोई 15-16 साल का, 15 साल। जिस टाइम मैं अजान कह ली बाबे ने मेरे सिर ते हाथ फेरे नाल कह लगे अल्लाह जिन्हें इंदे मूँह की आवाज सोनी का दिल भी सोना कर। मिंबर ते बैठे हाँ बाबे रां दे अल्फाज, अल्लाह उन्हां दी कबर अल्लाह मुनव्वर फरमा, अल्लाह जिवें इंदी जुबान की आवाज च मिठास इंदा दिल भी सोना बना दे।
ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਏਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਏ, ਏਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖੇ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਲਤ? ਆਉਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਨੇਕੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਦ ਨਸੀਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਖਬੀਸ ਚਵਲ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ, ਸੋਟੀ ਤੇ ਖੋ ਜਾਓ, ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੈਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਜਲ ਇਜ਼ਾ ਜਾਲਾ ਵਖਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਬਣਵਾਈ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਬਲਾ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਬਣਵਾਈ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਾਇਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਆ, ਘਰ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਮਾਮ ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਘਰ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਮੇਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੇਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ, ਗੈਰ ਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਗੈਰ ਆਲਾ, ਅੱਲਾ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਲਾਕੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਫੇਰਦੇ, ਅੱਲਾ
मैं तेरा नबी दुआ करना लोकां दे दिलां जे इस बैतुल्ला दियां कंधां दा प्यार पा दे इन्हां पत्थरां दा प्यार पा दे बैतुल्ला दा प्यार पा दे और शाम कोटियां फैसला तुहाडे ते रह गया पहली दुआ कर सोना बनाया इमाम ही सोना बना दे ओए सारे बोल के दसो इमाम सोना आया कि नहीं आया। दूसरी दुआ या अल्लाह मैं घर तेरा बनाया मेरी दुआएं आ लोकां दे दिल फेर दे इस टाइम तुहाडे चो कौन ऐसा बंदा बैठा है मैं ते समझना कोई भी नहीं बैठा इंशाल्लाह कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जिंदे दिल च खाने काबा दा प्यार नहीं जिंदे दिल अंदर बैतुल्ला दा प्यार नहीं। अल्लाह ने सारियां दे दिल बैतुल्ला वाले फेर दिते ने। तीसरी दुआ या अल्लाह मेरे सोने अल्लाह मेरे ऐस मक्के शहर अंदर बरकतां बरकतां पा दे। तुसी क्यों नहीं आखिया सुभान अल्लाह बरकतां पईयां उस तो बाद शाह सुलेमान पैगंबर दी वारी आई हजरत सुलेमान पैगंबर दी वारी उन्होंने मस्जिद अक्सा बनाई बैतुल मुकद्दस रीजां ला के बनाई बड़ा सोना अल्लाह दा घर बनाया। अल्लाह दा घर सोना बनाना नबियां दी सुन्नत है। अल्लाह देवे मस्जिदां सोहणियां बनाया करो से देवे इथे घरे घरे पैसे लाया करो। अल्लाह आंदा मेरे घरां च तुसी पैसे लाओगे मैं तुहाडियां कोठियां रीजां ला के जन्नत च मैं बनावांगा। सुन लो ध्यान दे नाल जनाबे सुलेमान पैगंबर पहली दुआ मंगी आख्या मेरे सोने अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह मेरी पहली दुआ आ अल्लाह मैं बैतुल मुकद्दस बना के दुआ मंगन लगा। अल्लाह मैनू हिकमत दनाई अता फरमा दे ओए दसो ईमान नाल शाह सुलेमान पैगंबर हिकमत दनाई वाले हैन सन कि नहीं। दुआवां कबूल होंदियां पईयां ने। दूसरी दुआ रब्बे हबली मुल्क अल्लाह यंबागी ली आहदी मिंबादी। अल्लाह सोनिया मैं दूसरी दुआ ये करना मैं बैतुल मुकद्दस बना के अल्लाह दूसरी मेरी दुआ ये अल्लाह मैनू ऐसी बादशाही देना मेरे तो बाद किसे नबी नू भी ना देवी। अल्लाह मेरे तो बाद कि मैनू हुकूमत दितियां ही किसे नू भी ना देवी ना दे। अल्लाह मेरी तीसरी दुआ तीसरी अल्लाह मेरी तीसरी दुआ जरा क्यामत तक मेरी बनाई हुई मस्जिद मस्जिद अक्सा से आवेगा दो रगता पड़ेगा गुनावा को पा कर देवी। नबी अलैहि सलाम एक दिन फरमान लगे मेरे भरा दियां दो दुआवां ते अल्लाह ने फौरी कबूल फरमा ली। कह दियो सुभान अल्लाह मेरे भरा ने मेरे भरा दियां अल्लाह ने दो दुआवां ते कबूल फरमा लिया ने जिंदा अल्लाह ने मैनू कुरान च दस दिता है कि मैं आपके शाह पैगंबर दियां दो दुआवां कबूल फरमा लिया ने। हिकमत दनाई भी दिती आखिर दी ते बादशाही इंज दिती है कि तख्त हवावां च उड़िया फिरदा है तख्त हवावां च फिरदा है बादशाही भी इंज दिती। जिहड़ी तीसरी दुआ कीती ने मेरे भरा सुलेमान ने जरा मेरी मसीत आवे ते दो रगता पड़े गुनावां कोलों पाक कर दी। वैसे अल्लाह मैनू दस्या ते नहीं पर मेरा यकीन है अल्लाह ने मेरे भरा सुलेमान की वह भी दुआ कबूल फरमा ली। यानी सुलेमान अलैहि सलाम तीन दुआवां मंगियां हुण आ जाओ आपके लीडर से आपके मुर्शद से जे एक बार एडवांस हो जाए सुभान अल्लाह। नबी अलैहि सलाम ने मस्जिद नबवी बनाई ओए बोलते पवो सरकार आख्या या अल्लाह मैं अपना तेरा घर बनाया मस्जिद नबवी। अल्लाह
मदीने वाले कियामत तक आने वाले मुसलमान दे दिल फेर दे। और दसो मदीना मदीना होंदी पई है कि नहीं, दसो मदीना मदीना सुन दे जे कि नहीं सुन दे। सरकार ने दुआ मंगी सी, अल्लाह लोगां दे दिल मेरे मदीने वाले फेर दे। अल्लाह मक्के वास्ते खाने काबा जिथे आ मेरे बाप ने दुआ मंगी है, फला च बरकत पा दे, अल्लाह रोटियां च बरकत पा दे। मदीने च खो के मैं तेरा घर बना के कह रहा, अल्लाह लोगां दा दिल भी मदीने वाले फेर दे ते मेरे शहर च अल्लाह बरकतां ते रहमतां दा नज़ूल फरमा दे। नबी अलैहि सलाम को पूछा गया, सोने सब तो अल्लाह की अजमत दे शान वाला घर केड़ा है? सोने नबी फरमाया अल्लाह का घर बैतुल्ला शरीफ। हुण सवाल यह पैदा होता है, जो सुते हो वह भी उठ पवो, किबला अव्वल ते है बैतुल मुकद्दस। नबी अलैहि सलाम जिस टाइम बैतुल्ला च रह सन मदीने पाक आने तो पहला, उदो सरकार किधर मुंह करके नमाज पढ़ते? सवाल तो पैदा होता है कि नहीं, तवज्जो है कि अगली भी चली गई जे। नबी अलैहि सलाम मक्के सन, मिराज ते गए, नमाज फर्ज हुई, क्या सरकार मक्के नमाजा नहीं पढ़िया? नबी अलैहि सलाम बैतुल्ला दे खड़े हो के बैतुल्ला वाले मुंह करके नमाज पढ़ते सन। कह दियो सुभान अल्लाह। बैतुल्ला वाले सरकार इधर इस पासे बैतुल मुकद्दस है, इस तरफ इधर बैतुल्ला शरीफ है ना, इनके मुखालफ इधर बैतुल मुकद्दस। नबी अलैहि सलाम खाना काबा दे इधर लेंदे पासे खो जांदे, तसव्वुर रखदे सरकार दोनों अल्लाह दे घरां दा ते नमाज पढ़दे। इधर सरकार खो जांदे, इधर इस पासे अगे बैतुल्ला हुंदा, उस तो अगे सरकार तसव्वुर लै जांदे मस्जिद अक्सा ते लै जांदे उत्थों तक। और ये जरा सी ना मस्जिद अक्सा ये यहूदियां दा किबला सी, यानी जे उस टाइम से ना अहले किताब जे सही अहले किताब ये उन्हां दा किबला। सरकार मदीने पाक आए और नबी अलैहि सलाम 16 महीने या 17 महीने नबी पाक ने मदीने पाक च रहिंदिया आपने इधर मुंह करके नमाज पढ़ी बैतुल मुकद्दस वाले। एक दिन किसी ने ताना चल मारिया, अहले किताब ने बोली चल मारी, सरकार ने अन करके दिल ते गल लाई, उस टाइम मेरे अल्लाह ने नमाज दे विच किबला तब्दील फरमा दिता है। नबी अलैहि सलाम फरमाए सब तो अल्लाह दी जमीन ते शान वाला घर बैतुल्ला शरीफ। अल्लाह सानू दीदार नसीब फरमा दे, जिन्हें छेती जाना एक बार उची आमीन कह छंडो। या अल्लाह जिन्हें आए ने मक्का वखा दे, बार बार वखा दे मौला। सोने पैगंबर आखिया पहला अजमत वाला घर एक पढ़िया लख दा सवाब। सोने नबी जी उस तो बाद अल्लाह दी जमीन ते अजमत ते शान वाला घर उस तो बाद केड़ा घर है? सोने नबी आखिया मेरी मसीत जिंदा नाम मस्जिद नबवी, अल्लाह उनका भी दीदार करा दे उच्चिया मिन कह छंडो। इत्थे एक पढ़िया एक रवैच आंदे एक हजार नमाज दा सवाब मिलदे, बाद ने 40,000 आखिए। बहरहाल सही संदन हदीस एक हजार नमाज दा सवाब। सोने नबी जी इस तो बाद अजमत वाला घर केड़ा? सोने पैगंबर ने इशारा किया बैतुल मुकद्दस वल्ले, तीसरे नंबर ते बैतुल मुकद्दस। सोने उत्थे एक पढ़ांगे ते किन्ना सवाब है? सोने पैगंबर ने
अंध करके होंठ हलाना तबसम फरमाया आ फरमान लगे अल्लाह दी जमीन दे पहली शान वाला बैतुल्ला एक पढ़ोगे लख दा सवाब दूसरी अल्लाह दी जमीन दे मेरी मस्जिद एक पढ़ोगे ते हजार दा सवाब तीसरा सरकार आखिया अल्लाह दी जमीन ते बैतुल मुकद्दस जिथे एक पढ़ोगे अल्लाह एक दे बदले ढाई सौ नमाज दा सवाब अता फरमा देंगे मेरे पाक मुहम्मद सोने नबी दा नाम आया है दरोदे पाव पढ़ लो प्यार ते मुहब्बत दे नाल मक्का फतह होया ना सरकार दे यार नारे तकबीर बुलंद कीता ना एक नबी पाक नु बंदा आके आंदा है आंदा सोनिया मैं नजर मन्नी सी मैं नजर मन्नी है अल्लाह पाक मक्का फतह करेगा मैं बैतुल मुकद्दस जाके ना सोनिया मैं तो रखता पढ़ांगा हूं क्या मैं नजर पूरी करा के ना करा सुन लो ध्यान सरकार आखिया हां हां नजर पूरी कर लै इथे ही पढ़ लै आंदा सोनिया मैं बैतुल मुकद्दस दे बारे नजर मनी सरकार खामोश हो गए आ फरमान लगे इथे पढ़ लै आंदा सोनिया मैं बैतुल मुकद्दस दे बारे नजर मनी आ फरमान लगे जा अल्लाह दा नबी कह रहा के नजर पूरी करके आ बैतुल मुकद्दस च दो रकतां पढ़ के आ जा अल्लाह हुण तुसीं वेंदे पए हो बैतुल मुकद्दस फलस्तीन दे की हालात ने अल्लाह उहनां दी मदद फरमा दे उच्ची आमीन कह छक अल्लाह सुन लो ध्यान नाल जिहड़ा ईसा अलैहि सलाम ने दज्जाल नूं मारने मुकामे लुद्ध ते ये भी बैतुल मुकद्दस दा पहाड़ है इहदे नाल पहाड़ है इत्थे ईसा अलैहि सलाम ने यानी किन्नियां निशान नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सी सुन लो कन खोल के सुन लो ओए सुन बस कसमे मैं हैरान हाँ साडा की बनेगा मुल्के पाकिस्तान दा जिहड़ा होया काकड़ साहब आया खबीस किस्म का इंसान पता नहीं परवाह ही नहीं कि एडे बद नसीब ने उधर बेचारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं इन्होंने मैचों की पई तुहाडे मरदे पैण बच्चे कभी फिर वेखो ना मैच तो फिर गल है ना किते तुहाडियां बच्चियां जबा हो रही हो ते फिर वेखो मैच वेखो शैतान ने कैया जाल सुटी है सोने पैगंबर आखे है मुसलमान एक जिसम दी मनेंदे पैर ते कंडा बजे सारा जिसम दर्द करदा है मुसलमान एक जिसम दी मनेंदे उधर साडे मुसलमान कल्पदे पै ने साडे मुसलमान शहीद हो रहे ने और वेख सरकार नू किन्ना प्यार सी आपदे मुसलमान उम्मत दे नाल सोने पैगंबर आ गया चाली दिन लंघ गया ने मैनु रात नू नींद नहीं आ रही सुकून नहीं आ रहा सोनिया कादे वास्ते आ फरमान लगे मेरे यार दा मैनु जबरील आके दस गया सोनिया तेरे यार दा लाशा खुबैब दा लाशा मक्के दे चौक च लटकदा पिया है इन्हों मैच दी पई है इस तो वड्डा जिन्हें बादल सी वेखना होनू वेखो जरा उधर मुसलमान साढ़े शहीद पाते मैच दी पई वेखन वाले भी जलील मैच लुआन वाले भी ये भी जलील सुन लो ध्यान नाल गैरतमंद होए कोई जोर मुसलमान होए चलो जिन्ना हो सकता उन्ना वास्ते दुआ ते करे ना इतने कई आ फेसबुक कई आज सुबह उठद्या नाल ही अल्लाह इतने अज ते मैच ला के खड़ा है सामने मैच लग गया आंदे अल्लाह अबाबिल कल दे आंदे ने ना मैं ना या अल्लाह जरा मैच ला के बैठा है पहले अबाबिल आंदे कर कल भी आके पत्थर मारे थे इनका सत्यानाश करे इन्ने करोड़ मुसलमान ने तावी अबाबिला उन्हां वल्ले वेखण डरे परिंदियां वल्ले डुबके मर जाओ हां
हजरत साहब हर चीज मौजूद है तामी अबा अल्लाह अबा बिल कर दे। हो सकता है अबा बिल उधर जान दे बजाय कितने पाकिस्तान ना आ जा भी अल्लाह के तुहाडे मैच मैल आना। उन्हें आख्या रूमिया के कमांडर ने आख्या हजरत उन्हें आख्या खालिद किन्नी फौज ही उन्हें आख्या 35,000। हां भी तेरी किन्नी फौज है उन्हें आख्या 2,00,000। वो कमांडर कहन लगा रूमिया का खालिद जा पिछा चला जा कोई अकल नू हाथ मार इन्हें बच्चे यतीम करावण लिया है कोई मुकाबला होवे ते मैं लड़ा भी। जनाबे खाल दी अखा च पानी जे आ गया उन्हें की आख्या ओए उन्हें आख्या बच्चे ना यतीम करा पिछा लै जा। उन्हें कहा अच्छा उन्हें कहा दिल ते कर दे रखा मैं तेरे दंदा लिए दंद बत्ती बार कड़ दे मैनू कह रहे हैं खालिद नूं कह रहे हैं जिंदा घोड़ा मैदाने जिहाद च पैर रख दिया ते फतह आके मेरे पैरी पै जांदी है मैनू कह रहे हैं। उन्हें कहा हाँ उन्हें कहा सुन ओए रोमिया दे कमांडर सुन अखां च पानी आ गए अल्लाह वल्ले वेखिया मौला अज काश के मेरा घोड़ा ठीक होंदा अज मैं घोड़े ते बह के अई परा नूं गया ते मेरा घोड़ा लगान लग पिया सी पता नहीं को जख्म आ गया पैर ते की होया अल्लाह अज काश के मेरा घोड़ा ठीक होंदा अज जिवें मैनूं ललकारिया इस बेईमान ने इहने आख्या पिछा लै जा फौजी बच्चे यतीम ना करा अज काश के मेरा घोड़ा ठीक होंदा ओए बदबख्ता मैं अपनी 35,000 फौज नूं पिछे हटा के कल्ले घोड़े ते बह के तेरी 2,00,000 नूं कल्ले आपदे घोड़े दे पैरां थले रौण देना सी। हजरत साहब ओ सी दलेर अल्लाह परेशान ना हो अबाबील ना बुलाओ तुहाडी मेहरबानी ये भी नेकी ना करो रब नूं एवें ना बार बार जरा तुसी ने मेरा मतलब है और रब नूं बार बार ना ध्यान लाओ भी अबाबील कल उन्हूं बड़ा पता मैं अबाबील कलण कि नहीं कलण ना एडिया सिफारिशां पाओ। अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सुन लो क्यामत दियां 6 बड़ियां निशानियां अल्लाह ने दसियां ने इंतजार करना सिहाबा डोल गए सोनियां केड़ियां केड़ियां निशानियां सरकार आखिया है सब तो निशानी वड्डी क्यामत दी कि मैं तुहानूं छड़ जावांगा मैं चला जावांगा उस तो बाद इंतजार करना बैतुल मुकद्दस अल्लाह फतह फरमा देगा बैतुल मुकद्दस फतह होना ही होना है तुसी भावें मैच वेखो जो मर्जी करो उधर कोई जाए या ना जाए किसी मुसलमान की गैरत जागे या ना जागे 1450 साल पहला मेरे सोने पैगंबर ने मदीना पाक च बैठे दस्या सी लोगो सुन लो ऐसा वक्त आएगा मेरे दुनिया ते जान तो बाद मेरा सोना अल्लाह बैतुल मुकद्दस फतह फरमा देवेगा इत्थे इस्लाम दा झंडा लहराएगा हुण बस इंतजार करो अज ना ते कल सी कल ना ते परसों सी सुन लो इन्हां कोल ते फिर भी चलो माड़ा मोटा असला है वे उन्हां ते उन्हां जंग जीती है जिन्हां पैरां ते टाकियां बन गए हाथां ते छड़ियां फड़ गए जिन्हां मैदान च पैर रखिया सी अल्लाह दी मदद आ जांदी मेरे पाक मुहम्मद लाडले पैगंबर दा फरमान है अल्लाह जल्दी बैतुल मुकद्दस फतह फरमाएगा इंशाल्लाह फतह होना ही होना है। अल्लाह चलो कुछ नहीं कर सकते ते मैच भी ना वेखो चलो नहीं ते फिर चलो खुशी भी ना ना मनाओ उन्हां वास्ते फिर दुआ मांगो अल्लाह मेरे सोने अल्लाह उन्हां मजलूमां दी मदद फरमा अल्लाह बैतुल मुकद्दस नूं अल्लाह आजाद करके अल्लाह उत्थे सलाम दा झंडा लहरा दे व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।